सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑन फेवरेट कार चैनल वनवासी पुरुष। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक करना मत भूलना वीडियो को, और बेल आइकन भी दबा देना क्योंकि अब मैं रेगुलर पोस्ट करूँगा क्योंकि बोर्ड खत्म हो गया। तो अगर आपके पास मेरी गाड़ी है तो मैं आज आपकी गाड़ी के लिए लाया हूँ सबसे बेस्ट ब्लूटूथ एसेसरी। आगे अभी और बताऊँगा, आइए तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का सो गाइस, अगर आपकी गाड़ी में भी एक ऐसा इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है पुराने टाइप का जिसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, सिर्फ यूएसबी और ऑक्स मिलती है, और आप भी जानते हैं कि ऑक्स केवल हार्डली 2 से 3 महीने चलती है, फिर इनके खराब हो जाते हैं, कनेक्ट नहीं होती, ये सारी चीज़ें आने लगती है, तो उसका सीधा निवारण लेके आया मैं आपके लिए एकदम शानदार ब्लूटूथ एसेसरी। तो चलिए अब इसको अनबॉक्स करते हैं और इसके बारे में मैं आपको आगे और बताऊंगा और साथ ही मैं इसकी इंस्टॉलेशन भी दिखाऊंगा। चलिए गाड़ी के बोनट पे, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो भाई चलिए अब हम इसको फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं। तो उसमें इसका लिंक मैं आपको नीचे भी दे दूंगा तो आप इसको सेल खरीद सकते हैं। तो ये है पोर्ट्रॉनिक्स का एक ब्लूटूथ, ये इसका ब्लूटूथ का हाँ डोंगल टाइप कह सकते हैं, तो वो है। आइए इसको आगे भी खोलते हैं। देखो पोर्ट्रॉनिक्स एक अच्छा ब्रांड है इसलिए मैंने इसका चूज़ किया। अगर आप मेरे से पूछो तो कि मैंने पोर्ट्रॉनिक्स ही क्यों मंगाया, क्योंकि इट इज़ ए गुड ब्रांड। ओके, तो ये बस इतनी छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, कोई इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, इट इज स्मॉल। हाँ देखो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, कोई इतना बड़ा नहीं है, पर ये है कि ये काफ़ी यूज़फुल है आपके ड्राइविंग के टाइम पे, आपको काफ़ी आसानी मिलती है क्योंकि यू नो, जब मैं ड्राइव करता हूँ तो मान लो ऑक्स इधर उधर हो जाती है तो बड़ी दिक्कत होती है, फिर वो मज़ा नहीं आता गाड़ी चलाने में भी। आप ऑक्स ही संभालते रहोगे गाड़ी चलाओ तो समझ नहीं आता। तो ये है, ये मैं अभी आपको इसका इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ प्रॉपर। इसके अंदर ऑक्स मिलती है और एक यूएसबी मिलती है पावर केबल, ठीक है। तो इसको आपको पावर के लिए, जो इसकी आपको पीछे यूएसबी दिख रही होगी, इसको आपको एक अडेप्टर में या किसी चीज़ में कनेक्ट करना पड़ेगा, और जो इसकी ये ऑक्स वाला वायर है ये आपके ऑक्स वाले पोर्ट में चला जाएगा, और ये ब्लूटूथ रिसीवर है जो कि आपका उसको सिग्नल को रिसीव करेगा और फिर वो गाना चलाएगा, ठीक है। चलो। नहीं तो गाइज ये मैंने आपको अभी दिखाया इसके अंदर क्या है, उसको थोड़ा सा ओपन करते हैं। तो ये इतना छोटा सा डिवाइस है, इसके पीछे आपको चिपकाने के लिए स्टिकर भी मिले हुए हैं, आप इसको जैसे कंफर्टेबली यहाँ पे कहीं पे प्लेस कर सकते हो। और इसके अंदर नीचे जैसे कि मैंने अभी आपको बाहर बताया था, ये रही एक ऑक्स केबल और ये इसकी पावर केबल। पावर केबल आप इस तरह के किसी भी कनेक्टर में कनेक्ट कर सकते हो, ये इसमें अपन कनेक्ट करेंगे, ये पावर केबल है उसमें कनेक्ट हो जाएगी, और ये जो इसके अंदर 3.5 mm का जैक है ये आपके ऑक्स वाले इसमें कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसको आपको ऑक्स वाले मोड पे रखना है अपने, देखो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे फिलहाल ऑक्स मोड पे, जूम कर ले भाई, ये यहाँ पे ऑक्स वाले मोड पे है, तो इसको आप ऑक्स मोड पे ही चलाना है, इसके अंदर कोई अलग मोड नहीं आएगा, ठीक है। चलो और फटाफट से अपन इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसका अपन खोल लेते हैं यहाँ पे वायर, और इसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा आपको ठीक ठाक लेंथ का वायर मिलता है, तो ये एक इसके अंदर अच्छी बात है। और इसके यहाँ पे आप इसको थोड़ा एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। तो ये आ गया अपना पावर केबल, ये अपन ने लगा दिया इसके अंदर, ये इन, ओके। ये आ गया इसकी ऑक्स, ऑक्स वाला हमने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जो इसकी एक्स्ट्रा केबल है, आप चाहो तो इसको रोल करके कहीं पे रख सकते हो, या फिर आप इसको रोल करके ऐसे करके अपने चिपका सकते हो आराम से, जैसे मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा तो जैसे। और ये इसके अंदर जो बटन है ये कॉल रिसीव करने के लिए, ठीक है, कट रिसीव करने के लिए और कट करने के लिए। हाँ, और इसके बॉक्स के अंदर कंटेंट में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक ये इसका आई थिंक कि कुछ साइन अप और सम, ये आपका वो है गारंटी कार्ड होगा, वारंटी कार्ड एक ही बात है, और ये आपकी इंस्टॉलेशन हो गई, बस जो कोई नहीं पढ़ता तो हम भी नहीं पढ़ेंगे। तो ये रहा अपना स्टिकर, इसकी अपन एक तरफ कर देंगे यहाँ से, वो अच्छा ये वेलक्रो वाला सिस्टम दे रखा है इसके अंदर। ओके, तो इसके अंदर ये वेलक्रो वाला सिस्टम है, वो अपन इसके पीछे का जो स्टिकर है इसको ओपन कर देंगे, पील आपकी मर्जी आपको कौन सी साइड कहाँ लगानी है, पर लेकिन मैं ये वेलक्रो वाली यहाँ लगाऊंगा, ये यहाँ पे, ठीक है। ये अपन ने एक चिपका दिया, और इसके पीछे वाला ये निकाल के
का ये निकाल के अपन लगा देंगे इसको इसके पीछे बिल्कुल यहाँ पर अपन इसको प्लेस कर देंगे। चमक गया, अब अपन इसको लिया एंड इट्स ऑन। चलो ठीक है, ये लग गया आपका यहाँ पे इजी तरीके से। और जो आपकी ये कॉर्ड है इसको आप अपने हिसाब से, मान लो अगर आपको इसको रोल करना है तो समवेयर अराउंड इतना रोल किया, फिर जो इसके अंदर ये वायर है इसको आप इसके यहीं पे ऐसे करके रोल घुमा दो, जिससे कि इतना क्लमजी भी नहीं लगेगा। इसके अंदर इसकी पावर केबल अंदर, ये आ गई इसकी ऑक्स, ऑक्स अपन ने उठा लगा दी इसकी यहाँ पे, ठीक है। सो गाइस, अब हमने गाड़ी स्टार्ट कर ली और यहाँ पे आप देखोगे ये ब्लू लाइट ये जल रही है, इसका मतलब ये कि स्टार्ट हो गई है। अपन ये वाला बटन दबाएंगे, इससे ये पेयरिंग के लिए आ जाएगा। अब अपन यहाँ पे ब्लूटूथ ऑन कर लेंगे अपना, ठीक है। देखो यहाँ पे स्कैन हो रहा है, ये आ गया ऑटो 12, ठीक है। ठीक है, ये अपन पेयर कर लिया इसके साथ में हमने, ओके। तो पेड़ अभी अपने टोनू आवाज़ आ गई। चलो अब देखो ये यहाँ पे जैसे सोर्स है, अपन ने इसको सोर्स कर लिया ऑक्स, वॉल्यूम अपन इस पर रखेंगे ऑलमोस्ट 20 के आसपास। अभी क्योंकि मैं आपको डेमो दे रहा हूँ तो मैं फटाफट से गाना चला के दिखा देता हूँ, नॉन कॉपीराइट गाने से ढूंढने पड़ेंगे। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? ये फालतू बातें क्या बता रहे हो मुझे? जब ये कनेक्ट हो गया है, अब मैं आपको इसकी दिखाता हूँ कि एक्चुअली काम करता है और ये बढ़िया है। इसकी इसके अंदर एक चीज़ फ़ायदा है कि इसके अंदर जो है ना बैटरी नहीं डलती है, सीधा यहाँ पे पावर से कनेक्ट होता है, इसलिए बैटरी आपको रिप्लेस करने की झंझट ही नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, मैं यहाँ पे गाना चला रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट इज कि काम करता है, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसका मैं लिंक नीचे आपको दे दूंगा अगर आपको ये लेना है तो। ज़्यादा महंगा नहीं है, इट इज़ ओनली 579 रुपीज़, मेरे को तो इतने का ही पड़ा है। अब हो सकता है उस वक्त स्केल आपका लक अच्छा होना चाहिए, सेल हुई सस्ता पड़ जाएगा, ये तो थोड़ा बहुत 10-20 रुपये ऊपर हो जाएगा, पर ये बहुत बढ़िया है। ये एक बार मैं आपको इसका कॉल वाला सिस्टम और दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि भाई हाँ चलो कॉल वाला काम भी कर सकते हैं। तो फोन लाया, कॉल कर मेरे को, रुक जा मैं मिलाता हूँ। पछड़ता डैडी कौन? अच्छा साले। मैं नंबर क्या है? इसमें रिचार्ज है? नहीं। 1, 6, 3, अब देखो 7, 7, यहाँ से अपन ने उठा लिया, आग लगा दी। तो बेसिकली इट इज ए वेरी यूजफुल इंस्ट्रूमेंट अगर आपकी गाड़ी में इस टाइप का है। और यहाँ दिखा दे भाई, अगर आपकी गाड़ी में ऐसा नॉन ब्लूटूथ वाला सिस्टम है, पुराना सिस्टम है और आपको 6-7 हज़ार रुपये खर्च करके इसमें एक नया ब्लूटूथ एनेबल सिस्टम नहीं डालना है और आपको सिर्फ गाने सुनने का काम है, एज इट नेविगेशन वगैरह आप यूज़ नहीं करते इतना, तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया। इट इज़ वैल्यू फॉर मनी। और दूसरी चीज़, ये काफ़ी अच्छी कंपनी है पोर्टरोनिक्स, इट इज़ अ वेरी बिग कंपनी, आपको पता होगा आजकल काफ़ी सारी इनकी हाई जो वोल्टेज जो अपनी केबल आती है म्यूजिक सिस्टम की, एम्पलीफायर वगैरह सिस्टम यूज़ करते हैं उसके अंदर इनकी केबल्स यूज़ होती है। तो इट इज़ अ गुड कंपनी, इट इज़ रिलायबल, तो इसलिए आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना।
और बेल आइकन जरूर दबाना क्योंकि इसके बाद में मैं और भी इस गाड़ी अपनी इस गाड़ी से रिलेटेड और वीडियोस भी डालूंगा। अभी मैं इसके इस इवेंट्स भी मंगा रहा हूँ, हम ये भी चेंज करेंगे इसके। आप देखोगे जो ये वाला है ये ख़राब हो गया, ये भी मैं मंगा रहा हूँ, ये भी हम सारी चीज़ चेंज करेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर आपको गाड़ियों से प्यार है और ख़ासकर अगर आप एक स्कॉर्पियो लवर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गाइस मैंने आपको इस प्रोडक्ट के प्रोस तो बता दिए, पर इसके कॉन्स बस एक छोटा सा है कि आपको अगर ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है तो आपकी गाड़ी उसके लिए स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली गाड़ीज़ में क्या होता है, यहाँ पे जो इसका सॉकेट है उसमें पावर सिर्फ तभी आती है जब आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है, जब आप उसको बस ऐसे इग्निशन हल्का सा बैटरी के ऊपर अपन ऑन करते हैं उस वक्त ये चालू नहीं होता। तो बस इसकी एक यही छोटी सी वो है, क्या बोलेंगे उसको, कॉन जो बोलते हैं, बाकी तो खैर प्रोडक्ट तो खैर बढ़िया है ही।